हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रिक्की और निर्मल अनिर्माण क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज है 2 नवंबर 2020। 2 नवंबर 2020 को हम आज का करंट अफेयर्स देखेंगे और साथ ही फ्रेंड्स आज हम सोच रहे हैं कि ये जो जितना भी पहले जो 25 से 31 तक या 27 से 31 तक जो भी करंट अफेयर्स कराया गया है उसका आज रिवीजन होगा। और रिवीजन में से हम लोग ने यहाँ 15 क्वेश्चन है और फिर 15 क्वेश्चन हम 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। मतलब आज सिर्फ रिवीजन होगा। और हाँ, आज फैक्ट की उम्मीद कम कीजिएगा, किसी एक क्वेश्चन पर जो है डेटा कुछ कम मिलेगा, उसके लिए कुछ कम क्या हो सकता है ना भी मिले, लेकिन हाँ क्वेश्चन रहेगा 30, मतलब पूरा एकदम फुल और सब करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से। देखिए क्वेश्चन नंबर एक क्या है, तो हाल ही में किस खिलाड़ी ने 2020 पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीता है। लुइस हैमिल्टन। देखिए ये सब क्वेश्चन तो करंट अफेयर डेली आप लोग मिल ही रहा है और इसका फैक्ट आपको मालूम ही है। देखिए तो हाल ही में किस खिलाड़ी ने 2020 पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स क्या कर रहा है, पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो किसने जीता है, लुइस हैमिल्टन ने। किसने जीता है, लुइस हैमिल्टन ने। और लुइस हैमिल्टन ने जो है किसको हरा जीता है, तो माइकल सुमाकर को। ये जो है माइकल सुमाकर को हरा करके जीता है। किसको, माइकल सुमाकर को हरा कर ये जीता है। कौन, तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ठीक है, तो हाल ही में किस खिलाड़ी ने 2020 पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीता है, तो लुइस हैमिल्टन ने। ये कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं और ये जो है मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, लुइस हैमिल्टन। क्वेश्चन नंबर दो पर आते हैं। देखिए तो क्या है, शहरी विकास शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए नीति आयोग द्वारा गठित सलाहकार पैनल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया दोस्त राजीव कुमार को। देखिए शहरी विकास शिक्षा प्रणाली किसमें कर रहा है, शहरी विकास शिक्षा प्रणाली में सुधारों के लिए नीति आयोग द्वारा, है ना, नीति आयोग द्वारा गठित सलाहकार पैनल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, राजीव कुमार को। यह 14 सदस्यीय पैनल है नीति आयोग का और इसके सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है राजीव कुमार को। क्वेश्चन नंबर तीन पर आते हैं। देखिए FATF है ना, FATF के अनुसार कौन सा देश फरवरी 2021 तक, कौन सी कंट्री है जो फरवरी 2021 तक आने वाली है तक ग्लोबल वॉचडॉग, है ना, ग्लोबल वॉचडॉग की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा, ग्लोबल वॉचडॉग की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा, तो ये है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, ये जो है ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। ठीक है ना, FATF के अनुसार, किसके अनुसार, FATF के अनुसार कौन सा देश फरवरी 2021 तक ग्लोबल वॉचडॉग की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा, तो ये बना रहेगा पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर फोर पर आते हैं। हाल ही में सेशेल्स के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, तो ये है वेवेल राम कलावन। कौन है, वेवेल राम कलावन, ये जो है सेशेल्स के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, सेशेल्स के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। और देखिए बात करें सेशेल्स की, तो सेशेल की राजधानी कहाँ है, विक्टोरिया। सेशेल्स की राजधानी कहाँ है, तो ये है विक्टोरिया, विक्टोरिया। और सेशेल्स जो है किस महादेश में है, अफ्रीका महादेश में है। तो हाल ही में सेशेल्स के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए, वेवेल राम कलावन। क्वेश्चन नंबर फाइव पर आते हैं। हाल ही में बोलिविया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए, तो लुइस एयर्स। कहाँ के राष्ट्रपति है ये, बोलिविया के। देखिए सारा करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बोलिविया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए, लुइस एयर्स। और यही सेशेल्स के राष्ट्रपति कौन बने हैं, वेवेल राम कलावन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स आते हैं। हाल ही में इसराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला तीसरा देश कौन हो गया है, सूडान। हाल ही में इसराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला तीसरा देश कौन हो गया है, तो ये देश हो गया सूडान। क्वेश्चन नंबर सेवन पर आते हैं। कृषि कानून लागू न करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, पंजाब, जिसने कृषि कानून खारिज कर दिया है, तो यही कृषि कानून लागू न करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, पंजाब बन गया है। क्वेश्चन नंबर एट पर आते हैं। हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति लागू किया है, बांग्लादेश। नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू किया है बांग्लादेश ने। क्वेश्चन नंबर नाइन पर आते हैं। हाल ही में किस निगम ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की फोर्ब्स की सूची में सबसे ऊपर रखा है, तो यह सैमसंग जान रहा है, दक्षिण कोरिया कंपनी है। हाल ही में किस निगम ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट 2020 की फोर्ब्स की सूची में सबसे ऊपर है, कौन है, सैमसंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। हाल ही में चौथे भारत ऊर्जा मंच का उद्घाटन किसने किया, नरेंद्र मोदी जी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, तो हाल ही में इन्होंने क्या किया, चौथे भारत ऊर्जा मंच का उद्घाटन किया। हाल ही में
चौथे भारत ऊर्जा मंच का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। क्वेश्चन नंबर 11 बताते हैं, हाल ही में गिनी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अल्फा कोंडे गिनी के नए राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति से तीन क्वेश्चन हो गया, एक गिनी का अल्फा कोंडे इस, और देखिए बोलिविया के राष्ट्रपति कौन है? लुइस एयर्स। और सेसेल्स के कौन चुने गए? वेवेल राम कलावन। तो हाल ही में गिनी के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? अल्फा कोंडे। ठीक है, भारत की 12 पर आते हैं, भारत की मदद द्वारा स्थापित मांग देखछु जल विद्युत परियोजना है ना, भारत की मदद से स्थापित की गई है कौन सा? मांग देखछु जल विद्युत परियोजना किस देश में बनाई गई है? तो ये बनाई है भूटान में। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। और इसका ये क्या है? नगुलट्रम ना। भारत की मदद द्वारा स्थापित मांग देखछु जल विद्युत परियोजना किस देश में बनाई गई है? तो ये बनाई है भूटान में और भारत की मदद से बनाई है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए, हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक है ना, हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने किस देश में अपना परिचालन बंद कर दिया? तो श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर दिया। कौन बंद कर दिया? तो आईसीआईसीआई बैंक ने अपना परिचालन बंद कर दिया। कहां पर? श्रीलंका में बंद कर दिया। हाल ही में आईसीआईसी बैंक ने किस देश में अपना परिचालन बंद कर दिया? श्रीलंका में। अच्छा क्वेश्चन है, 14 पर आइए, हाल ही में सतर्कता पर राष्ट्रीय सम्मेलन को किसने संबोधित किया? नरेंद्र मोदी। हाल ही में सतर्कता पर राष्ट्रीय सम्मेलन को किसने संबोधित किया मित्र? तो ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, हाल ही में भारत अमेरिका 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में भारत अमेरिका 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में है ना। हाल ही में भारत अमेरिका 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 16 बात देखिए तो क्या है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया? 28 अक्टूबर को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 28 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाते हैं? 28 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 17 बात देखिए तो क्या है, 17 में हाल ही में किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है? तो ये कंट्री है पोलैंड। किसने रखा है? किस कंट्री ने? तो पोलैंड ने। देखिए डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा गया है कहाँ पर? पोलैंड में। पोलैंड एक देश है, पोलैंड देश का जो है एक जगह है, उस जगह का नाम है ब्रोकला। ब्रोकला में जो है इसको रखा गया है, हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा गया है। तो वहाँ वो कहाँ है? पोलैंड के ब्रोकला में। ठीक है ना। तो हाल ही किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा गया? पोलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, 18 में देखिए क्या है, हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज किसे नियुक्त किया गया है? एमी कोली बैरेट को। ये किसका घर है? हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज किसे नियुक्त किया गया है? तो एमी कोली बैरेट को है ना। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने सोफिया में चंद्रमा की सनलाइट सतह पर पानी की खोज की? नासा ने। देखिए हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा की सनलाइट सतह पर क्या कर रहा है? चंद्रमा की सनलाइट सतह पर पानी की खोज की। किसने किया है? नासा ने किया है ना। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के सोफिया ने चंद्रमा की सनलाइट सतह पर पानी की खोज किया? तो ये क्या है? नासा ने। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, हाल ही में सब्जियों का न्यूनतम मूल्य तय करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया केरल। सब्जियों का न्यूनतम मूल्य तय करने वाला पहला राज्य कौन हो गया? केरल। देखिए अभी आलू कितना महंगा है, बहुत मुश्किल से मतलब गरीब लोगों को गुजर बसर हो पाता है, सब्जी का कीमत जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन ये अच्छा है, हाल ही में सब्जियों का न्यूनतम मूल्य तय करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? केरल बन गया। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं, हाल ही में छठवें ब्रिक्स संसदीय मंच की अध्यक्षता किसने की है? रूस ने किया है। किसने किया है? रशिया ने। हाल ही में छठवें ब्रिक्स संसदीय मंच की अध्यक्षता किसने की है? रूस ने। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक, रशियन डॉलर क्या है? मुद्रा वहां की करेंसी है। 22 नंबर पाते हैं, क्या है, हाल ही में विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया गया? 29 अक्टूबर को। क्या बोल रहा है? विश्व स्ट्रोक
दिवस है ना, हाल ही में विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 29 अक्टूबर को, है ना। विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया, वर्ल्ड स्ट्रोक डे कब मनाया गया, 29 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, हाल ही में किस राज्य के प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाने की घोषणा की गई, उत्तर प्रदेश में, है ना। हाल में किस राज्य के प्रत्येक जिले में, है ना, हर जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है, तो यह घोषणा कहां की गई है बाबू, उत्तर प्रदेश में। देखिए ये मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन, तो इसमें क्या है, महिलाओं और बच्चों को संरक्षण देने के लिए, उनके प्रति जो गलत समाज में जो उसका शोषण हो रहा है उनको हटाने के लिए, उनके प्रति जो पुलिस उसके करीब जाकर निगाह रख सके, तो ये मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाने की घोषणा कहां की गई है, उत्तर प्रदेश के हर जिले में बनाने की घोषणा की गई, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, हाल ही में किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की घोषणा की है, जापान ने। देखिए हाल ही में किस देश ने 2050 तक, है ना, 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन, है ना, शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की घोषणा की है, तो ये घोषणा किसने किया है, जापान ने। हाल ही में किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन, मतलब जापान जो है इसने लगाया है, घोषणा किया है कि 2050 तक जापान जो है शून्य कार्बन इमिशन, मतलब शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला प्राप्त करने की घोषणा कर दिया, करने वाला देश बन जाएगा 2050 तक, कौन, जापान। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं, हाल ही में ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन बना है हैदराबाद। देखिए हाल ही में ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला, ई बोर्डिंग जो कूड़ा कचरा कागज फेंकते हैं उसके लिए मना ही है, हाल ही में ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन बना है, तो हैदराबाद राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी इसका नाम है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इसका नाम है, तो हाल ही में ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला एयरपोर्ट कौन बन गया, हैदराबाद। क्वेश्चन 26 पर आते हैं, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय की अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू किया, गुजरात। देखिए हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने, है ना, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग क्या कर रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने की घोषणा की है, ये क्या है, गुजरात ने, और ये 26 अक्टूबर से लागू भी हो गया है गुजरात में, है ना। तो हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू किया है, गुजरात ने। ये लाइव स्ट्रीमिंग में क्या होता है कि आप जो है यूट्यूब पर जो भी अदालत का फैसला होगा, जो भी अदालत में जो भी बहस या जो भी चलेगी, जो भी वहां पर कार्यवाही होगा, उसको आप यूट्यूब पर लाइव देख सकते हैं, ये स्टार्ट किया है गुजरात सरकार ने। क्वेश्चन 27 पर आते हैं, हाल ही में रानी पद्मावत का स्मारक कहां बनाया गया, भोपाल में बनाया जाएगा, भोपाल में। हाल ही में रानी पद्मावत का स्मारक कहां बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा भोपाल में, मध्य प्रदेश राजधानी का भोपाल। तो हाल ही में रानी पद्मावत का स्मारक कहां बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा भोपाल में, रानी पद्मावत का स्मारक। क्वेश्चन 28 पर आते हैं, हाल ही में जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का शुभारंभ कहां किया गया, उत्तराखंड में, है ना। हाल ही में जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली, देखिए ध्यान रखिए क्या कर रहा है, जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली, हाल ही में जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का शुभारंभ कहां किया गया है, तो यह किया गया है उत्तराखंड में, कहां किया गया है, उत्तराखंड में। हाल ही में जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का शुभारंभ कहां किया गया है, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया, 31 अक्टूबर को, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे है 31 अक्टूबर को, ठीक है ना। हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस है ना, नेशनल यूनिटी डे, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया है 31 अक्टूबर को। आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर, क्या है देखिए, अच्छा 31 अक्टूबर को, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधि या फिर लौह पुरुष कहा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो ये बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी, किस ईस्वी में दी थी, 1928 में, ठीक है ना। तो आते हैं हाल ही में नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, यशवर्धन कुमार सिन्हा। हाल ही में नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बन गए, यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो ये 30 क्वेश्चन था, आज रिवाइजिंग था, तो फिर अगले दिन जो है हम आएंगे अगले करंट अफेयर्स लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वृद्धजनों की सेवा कीजिए, धन्यवाद।